देखा मेरी बात सच हुई ना, मैंने बोला था कि एक और वीडियो राजीव निगम जी का आएगा, इलेक्शन से पहले आएगा या फिर बाद में आएगा, आएगा इन टॉपिक्स के ऊपर ही। वैसा ही हुआ, नया वीडियो आ गया है, इसलिए हमारा भी नया रिएक्शन वीडियो ऑन राजीव निगम स्टैंड अप कॉमेडी है ये पे आ गया है। Welcome to my YouTube channel. My name is Ishan Chedi, and if you're watching me for the very first time, I would love it if you hit the subscribe button. No matter what, any degree you budge out, so we can get connected, and you don't miss any video from my side. बुआ और बबुआ अ हिलेरियस एग्जिट पोल स्टैंड अप कॉमेडी। जैसे कि आपको पता हो या ना पता हो, मैं बता देता हूँ कि जो वोटिंग डालने का जो प्रोसेस था वो खत्म हो चुका है। अब 23 मई को आएगा रिजल्ट, तब पता चलेगा आएगा तो मोदी ही या नहीं आएगा मोदी ही। लेकिन जैसे कि 23 मई आने में अभी समय है, और उससे पहले स्टैंड अप कॉमेडी हमें रिएक्ट करना है, और भी बहुत कुछ करना है, लेकिन अभी खाली ये रिएक्शन वीडियो करना है। तो इसमें दो लोगों के बारे में बोला गया है, मतलब जो टाइटल है बुआ और बबुआ। बुआ शायद बुआ कौन है, ममता बनर्जी नहीं, मायावती, राइट। मतलब वीडियो देखेंगे वो तो पता चल जाएगा। और बाकी जो बबुआ है, बबुआ 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 लालू प्रसाद यादव नहीं, मतलब मेरे को थोड़ा बहुत नॉलेज है, लेकिन मतलब उतना नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत नॉलेज मैं रखता हूँ, डिबेट्स वगैरह देखता हूँ एंटरटेनमेंट के लिए, और बाकी थोड़ी बहुत नॉलेज भी रखता हूँ। तो जल्दी जल्दी हम वीडियो देखते हैं, लेट्स फाइंड आउट हाउ दिस वीडियो स्टैंड अप कॉमेडी इज गोना बी। आई होप दिस टाइम इट्स गोना बी मच बेटर कॉमेडी, सो दैट आई कुड लाफ एंड स्माइल मच। लेट्स अच्छा, आपने देखा होगा कि कोई बाप बड़ी मेहनत करके जिंदगी भर स्ट्रगल करके एक व्यापार खड़ा करता है, बड़ा बिजनेस खड़ा करता है, फिर जब बुढ़ा हो जाता है तो अपने बच्चों को सौंप देता है कि ये बच्चा आगे चलाएगा। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो व्यापार को चौपट करके कुछ दिनों बाद सामने वाली कपड़े की दुकान में नौकरी करते पाए जाते हैं। ऐसे बच्चों को अखिलेश यादव कहते हैं। अच्छा, चुनाव हो रहा है, बहुत सारे लोग प्राइम मिनिस्टर बनना चाह रहे हैं। मैं नहीं बनना चाहता। लोग इसीलिए लड़ने लगे हुए हैं, राहुल गांधी वो भी प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं, ममता बनर्जी वो भी थोड़ा सा प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं। मायावती भी उससे भी थोड़ा सा वही बना, लेकिन अखिलेश यादव को मुझे समझ नहीं है वो क्या बनना चाह रहे हैं। He was to be a king maker, बोला था उन्होंने एक बार। क्या बनना चाह रहे हैं? उनसे कुछ भी पूछो, उनसे बेकी बात करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या कहना चाहते हैं? यही कहना चाहता कि मैं क्यों कहना चाहता हूँ, क्या करना, क्या बनना चाहते हो? जो बनना चाहते हो उससे ज्यादा मायावती तुम्हें बना चुकी और तुम बन चुके हो, बस मानना बाकी रहेगा। मैंने एक दिन इनके पिताजी से, मुलायम सिंह यादव से पूछ लिया कि ये सब जो भी कर रहा है ये बच्चा, आपने कभी इसको समझाया नहीं? तो वो बोले, नहीं ऐसी बात है, हमें समझाओ, हमारे खूब बात हूँ, बीच में बोए टोके करने बात हमें करने रहे, हमें खूब बात समझाओ, ऐसी बात नहीं, हम जो बाबा बहो के यहाँ बहो, हम जो हम जो बाबा हो, तुम बाप बाजू मानो, सुपा चाचा चाचा बाजू मानो, जब तक करके ठंडा खड़ा करके पूरा तो कैसे बाप मान तुम है, हम जाओ मेरे बैठे, हम कहाँ बहो वहाँ चाय करके हम आयो, हम सब हम बने को हम राज में लीजिए, हमने पूरा जीवन चार कर दिया, और तुम जो बच्चों को खा पे साई को पहले करके भेज चाय काम है हमें कौन गए, और जो मैं अपनी मोहन जो पहले बुरे राजीव करता है खा जा, हम तुम्हें समझा जा, हमारी लाभ आएंगे जा, वहां हमें कोई बोए हैं जो कुछ समझाए जाओ खा, समझ रहा है नहीं समझ रहा है। मैंने कहा समझ गया, कहा समझ, मैंने कहा समझ गए, कहा समझ गए,
कहा समय हमें बताओ कि अखिलेश भी नहीं हम इतनी देर बोल रहे हैं हाँ मैं खुद समझ नहीं रहा और तुम्हें समझ रहा हो कहा समझ में आओ हमने कहा मुझे यही समझ में आया इसी वजह से अखिलेश को कुछ समझ में नहीं आया देखा ऑन पॉइंट मैंने भी यही बोला था विचार मिलते हैं राजीव भाई बात नहीं एक बाप जो अपने बेटे को समझाए एक बाप जो अपने बेटे को समझाए बेटो बात समझनी चाहिए हमने अपने बेटे को समझा देखो तो तुम्हें नई साइकिल दी है अपनी साइकिल संभाल रखना किसी को साइकिल में बैठाना नहीं और जे नायक नेता नायक माना नहीं पिछले बार इसने राहुल गांधी को आगे डंडे में बैठा दिया अगला पहिया पंचो फिर हमें समझाओ हमने आपकी सोसाइटी में बैठा फिर नहीं मानो मायावती बैठा दिया अच्छा हम लेकर अखिलेश को बच्चा है मायावती को समझना चाहिए अच्छा ये बताओ हमें हाथी गोद में लेकर साइकिल कौन बैठता नहीं बुआ जी हैं तो बैठा लिया भाजी कहा है बुआ कहा बुआ लगी बुआ बुआ कहो हम कहा बुआ बुआ हम जा कहा बुआ बुआ आए हम राखी बांध गए वो तो कहा बुआ हो हमने नहीं मानते हमने कहा लेकिन अगर बुआ बोलते हैं तो कहीं ना कहीं से तो ये बात निकली होगी ना नहीं तो हम बताया तुम्हें एक बार इलेक्शन में मायावती ने हमें बुरी तरह हरा दिया हम गुस्से हम गुस्से में हमने कहा हम मायावती भाई अच्छा पर इतना ही बोला हमने देखा सामने बच्चा खा होगा हम रुक गए अब बच्चे होगा बहन जी तो मतलब जब तो बुआ इसे मान लिया हमने कहा समझाइए कुछ अच्छी बात इसको इसकी प्रॉब्लम समझिए बच्चे की प्रॉब्लम क्या है प्रॉब्लम हम समझिए क्या प्रॉब्लम है हमसे कहने लगा नेताजी हमने कहा आपको नेताजी बोलते नहीं जब से समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष बन गया प्रेसिडेंट बन गया तब से नेताजी पहले पिताजी बोलता अगर नेताजी बोलता हमसे कहने लगा पिताजी हम साइकिल चला धूप में बहुत गर्मी लगे हमारी साइकिल में एसी लगवा दो काट ले ना साइकिल में एसी तो हमने अब कोई बात नहीं हम अमर सिंह से कहेगा तुम्हारे साइकिल में एसी लगवा दे और अमर सिंह का नाम सुन घबरा दे हमने वो तो ठीक है लेकिन अमर सिंह की साइकिल में एसी कहाँ से लगवाएंगे कहा बात कर रहे हैं अमर सिंह बहुत जुगाड़ू आदमी तो एसी की बात कर रहे हो दो तीन बार तो हमारे लिए साइकिल में हीटर तक लगवा चुके और वही बहन जी वही नेताजी ये सब आज एक हो गए तो पॉलिटिक्स में कभी किसी का कुछ समझ में नहीं आता है कौन कहाँ किसका दुश्मन किसका अच्छा किसका बुरा किसका भाई किसका भतीजा किसका चाचा किसका नाना किसका काका तब कहना पड़ता है बहुत हुआ सम्मान This video was good. This stand-up comedy was good. मैंने इससे पहले भी एक stand-up comedy राजीव निगम जी का react किया था उसके बारे में मैंने बोला था उस वीडियो में आपने शायद वो वीडियो नहीं देखा तो मतलब मैंने उस बारे में ये बोला था कि ज़्यादा comedy नहीं था तालियां बजाने वाली बात ज़्यादा थी हंसने वाली बातें बहुत कम थी इसमें क्या इसमें एक बैलेंस था इसमें हंसी भी आ रही थी ताली बजाने वाली बातें भी हो रही थी जो कि लास्ट में और बीच में हंसी आ रही थी इसमें अखिलेश यादव मायावती के ऊपर टाइटल है लेकिन सबकी उतारी हुई है बीजेपी के बारे में नहीं बोला इस बार करंट सरकार के बारे में नहीं बोला इसमें बात करी है जो गठबंधन वाली सरकार है उनके ऊपर मुलायम सिंह यादव के ऊपर उनके बेटे के ऊपर मायावती के ऊपर ममता बनर्जी की बात तो नहीं करी
हाँ उनके बारे में तो नहीं कही, राहुल गांधी जी की थोड़ी सी बात करी है, बाकी बुआ और बबुआ के ऊपर ये कॉमेडी वीडियो बनाया है, तो आई एंजॉयड दिस वीडियो। लेकिन हाँ ये बात मैं जरूर बोलना चाहता हूँ, मैं चाहता तो इस बात को नहीं भी बोलता लेकिन मैं बोल रहा हूँ, लेकिन जो मैं और स्टैंड अप कॉमेडियंस को सुनता हूँ उनका टॉपिक ये नहीं रहता, टॉपिक डिफरेंट रहता है, लेकिन हाँ उनके स्टैंड अप मुझे इनसे ज्यादा फनी लगे हैं। और अगर ये वीडियो अभी राजीव निगम जी देख रहे होंगे, वैसे तो बहुत मुश्किल है कि वो मेरा ही रिएक्शन वीडियो देखे उन्हीं के स्टैंड अप कॉमेडी वीडियो पर, लेकिन अगर देख रहे होंगे तो शायद उन्हें भी इस बात का बुरा लगेगा कि ऐसे मैं बोल रहा हूँ कि मुझे उतना फनी नहीं लगा, लेकिन नहीं लगा है। लेकिन अब वो नहीं उतना फनी लग रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं रिएक्शन दे रहा हूँ तो मुझे ट्रू रिएक्शन देना है कि भाई मुझे कैसा लगा देखकर, क्योंकि जैसे पिछली वीडियो में मैंने जो भी बोला था, जैसा मुझे वीडियो देख के लगा था और आप लोगों के कमेंट जब मैंने पढ़े तो हमारे रिएक्शन सिमिलर थे, है ना। बट दिस वॉज अ इंजॉयबल वीडियो, मैंने इंजॉय करा इस वीडियो को, आई होप यू इंजॉयड दिस वीडियो, यू इंजॉयड मी रिएक्टिंग टू दिस स्टैंड अप कॉमेडी, सो आई गिव थम्स अप टू दिस स्टैंड अप, इफ यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू लाइक मी रिएक्टिंग टू दिस स्टैंड अप, प्लीज गिव थम्स अप एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल ऑफ योर लवली फ्रेंड्स। बाकी हम बार बार आते रहेंगे, नई नई वीडियोज देखते रहेंगे, रिएक्ट करते रहेंगे, सो विल मीट अगेन सून, तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो, डू समथिंग प्रोडक्टिव।